आपकी शुभकामनाएं हैं देने के लिए और उसे कबूल कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी मीडिया भाई और जो कि मुझे इस प्रांगण और इस माहौल और इस कहा जाए कि इंडस्ट्री में बहुत ही सपोर्ट दिया है, मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं और अपने सारे दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति का और मेरे इस शुभ अवसर पे जो कि मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे एक नई खुशियाँ लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़रा वो नई खुशी क्या है वो भी हमें ज़रा बताएं। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि नई खुशी है लव मैरिज की। अरे आप लव मैरिज कर रहे हो? जैसे कि सभी को पता है कि मैं बिल्कुल लव मैरिज किया हूँ बतौर एक्टर अक्षरा जी के साथ जो कि मेरी को आर्टिस्ट, फिल्म का नाम है लव मैरिज। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि नए साल में ढेर सारा प्यार अपने इस भाई को इतना सारा प्यार दें कि ये मैरिज सुपर डुपर हिट हो। हाँ बिल्कुल, बेसिकली हमारे जो कोर टीम पूरी लव मैरिज की जो टीम थी और हमारी प्रोड्यूसर टीम जो थी, उन लोगों ने एक सरप्राइज रखा था कि जन्मदिन पे एक नए साल के शुभ अवसर पे, और हम अभी गए पिछले महीने ही शूटिंग कंप्लीट किया और बहुत तेज़ी में हमारा पोस्ट का काम चल रहा है और उसी के साथ नसू जी ने खूबसूरती ढंग से डिजाइन बनाया है, तो अभी आप लोगों के बीच में आ ही जाएगा लव मैरिज का पोस्टर। तो सबका प्लानिंग था कि नए साल में हम पहली शुरुआत पोस्टर के साथ करते हैं, देन म्यूजिक लॉन्च के साथ करते हैं, इसके बाद फिल्म को रिलीज करते हैं। वैसे अब फिल्म के पोस्टर तो आपके आ गए हैं, अब ये बताइए हमें कि म्यूजिक कब आएगा और फिल्म पूरी की पूरी फिल्म कब आएगी? हाँ बिल्कुल, म्यूजिक भी आप लोगों के बीच में जल्द इसी महीने के आखिरी तक हम एक बढ़िया कहा जाए कि पार्टी और सबके साथ एक गैदरिंग के साथ हम एक म्यूजिक लॉन्चिंग भी करेंगे और बेहतरीन म्यूजिक बना हुआ है और बेहतरीन इस म्यूजिक का कोरियोग्राफी हुआ है। तो मैं सभी को गुजारिश करूंगा इतना सारा आशीर्वाद दें कि ये साल सिर्फ लव मैरिज के लिए हो और अमरीश सिंह के लिए हो, तो मैं इससे ज़्यादा मेरे लिए और बड़ी खुशियां नहीं होंगी। आपकी को एक्ट्रेस जो है अक्षरा जी वो नज़र नहीं आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो व्यस्तता होने की वजह से थोड़ी सी नहीं आ पाई, लेकिन वो बिल्कुल हमारे साथ है, उनका मैसेज फ़ोन और शेयरिंग और सारी चीज़ें हैं और वो बहुत उत्साहित हैं इस फिल्म को लेके। दरअसल कोई फंक्शन और प्रोग्राम की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन विशेष उनकी ढेर सारी है लव मैरिज। लव मैरिज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कोई चीज़ थी? लव मैरिज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फिलहाल फिल्म से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे लिए लव मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट है और लव मैरिज अगर लव करके मैरिज करते हैं तो मुझे लगता है कि खुशहाल सबका सबकी लाइफ हो, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं है कि आपकी खुशियां बरकरार रहे, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू वेरी मच, सबको नमस्कार और आपको भी जी। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि फिल्म का टाइटल जो है लव मैरिज है, तो लव मैरिज से एकदम एक थीम निकल के आती है कि जरूर प्रेम में कहानी कोई बनी होगी और उसके बाद मैरिज की बात हो रही होगी, तो हमारी फिल्म का जो फर्स्ट लुक भी है ऐसा ही रोमांटिक और प्रेम दर्शाता हुआ, कुछ प्रेम का सिंबल और बहुत खूबसूरत अपने नायक नायिकाओं को दिखाने की कोशिश की है, तो आपको प्यार से रिलेटेड जो प्राकृतिक फूल पुष्प उसमें दिखेंगे आपको। वैसे पोस्टर जो डिज़ाइन हो रहा था आपने अपने इनपुट दिए, आपने कैसे? जी बिल्कुल दिया, एक तो पहला नंबर तो हमारे जो जो हमारे पोस्टर डिज़ाइनर हैं नरसू जी, वो खुद एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त रहती है, हमारे पोस्टर को थोड़ा वो डिफरेंट लुक भी देते हैं, मेरी हर फिल्म में कुछ ना कुछ उनका एक, हालांकि वो हर पोस्टर को अलग बनाते हैं लेकिन मेरे साथ एक अच्छा रहता है, तो एक मन की भाव को वो जान जाते हैं कि क्या होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए। उन्होंने जो फाउंट बनाया है लव और मैरिज को तो वो भी बड़ा खूबसूरत बनाया है, जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लव जो है वो दिल के अंदर है और मैरिज जो है एक बहुत ही ब्राइट लेटर उसमें उन्होंने डिजाइन किया है। और फिर हमारे नायक जो अमरीश सिंह है और नायिका अक्षरा सिंह जी हैं, उनको भी एक फटा पोस्टर से एकदम फेस दिखाया है जिसमें वो दिल का आकार बन जाता है और उसमें वो दोनों दिखते हैं, और एक साइड प्रोफाइल में हमारे नायक दिखेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज में, एकदम बिल्कुल अलग डिफरेंट और स्टाइलिश नज़र आएंगे, और दूसरी तरफ अक्षरा जी एकदम मिड शॉट में एक बहुत अलग डांस मुद्रा में नजर आएंगे।
वैसे अक्षरा जी को आपने ये पोस्टर दिखाया, उन्होंने क्या कहा? अभी किसी ने कोई पोस्टर नहीं देखा है, सिर्फ मैंने देखा है। अमरीश जी ने कल अचानक देख लिया, हालांकि ये भी नहीं देखने वाले थे, लेकिन इन्होंने गलती से देख लिया, लेकिन अच्छी बात है। बाकी हम और नरसू जी के अलावा अभी तक किसी ने देखा नहीं। ये राज आपने छुपा ये राज अभी तक छुपा है, जिसका पर्दाफाश अभी होगा। वैसे अब आगे शेड्यूल क्या होगा फिल्म का? जी बस हमारी फिल्म जो है अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, गाने वाने और सीन्स बड़े तीव्र गति से एडिट किए जा रहे हैं, और हमारे जो एडिटर हैं संतोष जी, संतोष हरवाड़े जी बहुत अच्छे एडिटर हैं, और कई सारी फिल्म उन्होंने किया है। ये संजोग मात्र है कि हम पहली बार एज ए डायरेक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि मेरी जो पहली फिल्म थी गठबंधन प्यार के, उसमें वो असिस्टेंट एडिटर थे, तो हमारी ट्यूनिंग संतोष जी से बहुत अच्छी रही है। तो वो भी फिल्म के लुक को देख के, सीन्स को देख के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, फ़ोन पे या हमारी जब हम मिलते हैं तो काफ़ी डिस्कशन होती है। तो एक प्यारी सी फिल्म बनी है, जिसका मतलब एक जिसके हिस्सेदार सभी हैं, जितने एक्टर हैं, जितने टेक्नीशियन हैं सब। वैसे हड़बड़ी जी कोई हड़बड़ी में काम नहीं करते। नहीं, वो बहुत आराम से काम कर रहे हैं हड़बड़ी जी, और हम लोग मैंने उनको कहा कि भाई थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमारे अमरीश जी बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से सुकून से काम कर रहे हैं। और हमारे जो डांस कोरियोग्राफर हैं रिक्की गुप्ता जी, गानों को बहुत अच्छे से सजाया है दिलीप मिस्त्री जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है, और थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे, कहानी भी थोड़ा और पिक्चर एक अलग है। अमरीश जी का जन्मदिन भी है, इनको शुभकामनाएं भी। जी हाँ जी हाँ, ये अमरीश जी का, ये तो बहुत ही खास बात है कि हमारे प्रिय मित्र हैं और एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और इनका जन्मदिन जो कि हम लोग कल से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल रात 12 बजे से हम लोग इनको एक सरप्राइज दिए, एक जगह बुला के हम लोगों ने केक काटा, और फिर एक विधिवत आज इस पोस्टर लॉन्चिंग के मौके पे, और आज दिन भी बड़ा शुभ है, मुझे लगता है पूरे भारत में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, और ये शुभ दिन इनका जन्मदिन होना मतलब एक बड़ा खुशनुमा अवसर है, तो ये डबल ट्रिपल खुशी है आज। थैंक यू, बहुत मजा आया। कहाँ कहाँ मजा आया? सब जगह मजा आया, ऐसा जगह भी मजा है जो आपको नहीं बता सकता हूँ। नहीं, सवाल अच्छा था, जवाब भी अच्छा था। फिर से करते हैं। फिर से नहीं करना। फिर से नहीं करना। गुप्ता जी, आपकी फिल्म लव मैरिज का फर्स्ट लुक आया है, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आपने लिखा होगा पोस्टर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इट इज वेरी गुड। आप पोस्टर देख के मतलब आपको ये लगा कि जैसे फिल्म आप चाहते थे उसकी एक झलक मिली? मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था स्टार्ट करने से पहले फिल्म को, चूंकि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। आपने कुछ इनपुट दिए? आपने कुछ कहा कि नहीं ये पोस्टर ऐसा नहीं वैसा, कभी कुछ आपने कुछ सजेशन आपसे लिए गए कम से कम? सजेशन तो हमारे बातचीत रेगुलर चलते रहते हैं, और हम लोग कैसा क्रिएटिव इनपुट्स बहुत होते रहते हैं, और जहाँ तक मेरा कोशिश रहता है मैं इंटरफेयर नहीं करूँ, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है मैं उनसे सीख रहा हूँ, और वो सीखने में जहाँ मुझे लगता है एज मिनिमम एज पॉसिबल मैं वैसा इनपुट देता हूँ। तो आपको लगा लव मैरिज करके से आपने भी कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा है। जैसे सबसे पहली बात है, जो भोजपुरी फिल्म मैं नहीं देखता हूँ फ्रेंकली, अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत फिल्म देखने चालू किया, क्योंकि आई शुड अंडरस्टैंड दिस। तो जो टैलेंट है वो टैलेंट अंडर यूटिलाइज्ड है, जो स्टोरी का पोटेंशियल है, जो मार्केट है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, वो मार्केट को हमने यूटिलाइज नहीं किया, उसको टैप नहीं किया, तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम लोग इसको अगर प्रॉपरली सही तरीके से करें तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री मतलब हो सकता है। और फिल्में बनाई जाएंगी 100%, हमारा टारगेट है साल का 2 से 3 फिल्म बनाना। अमरीश जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल, जो गुप्ता प्रोडक्शन एंड स्टूडियो जो कि ये फिल्में तो बना ही रहे हैं, साथ साथ में इन्होंने स्टूडियो भी शुरुआत कर दी है, तो सच्चाई इसमें बिल्कुल है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री में और एक अच्छी फिल्मों की चाहत है, तो आई होप कि पूरी इंडस्ट्री इनके साथ होगी और हम सारे कलाकार और हम सारे टेक्नीशियन अच्छा काम करेंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जी, जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट से पढ़ा है कि ये फला एक्टर का ईगो इशू है, ये फला एक्टर का ईगो इशू है, करीब 15 से 20 दिन हम लोग सब साथ में रहे, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आया कि क्रिएटिव डिफरेंसेस अपनी जगह,
लेकिन ईगो इश्यू एक भी ऐसा नहीं है, सब अपने काम में इतने मग्न रहते थे कि रात को हम दो दो चार चार छः छः बजे तक शूटिंग किया और लोग हमेशा रेडी है, अपना जो बेस्ट पोटेंशियल है, अपना जो बेस्ट काम है वो देने के लिए हमेशा रेडी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये ईगो भी शायद ही कहीं होता होगा तो होता होगा, लेकिन ये भी चीज़ मुझे देखने का मौका नहीं मिला। आपको लगा हम पत्रकार ऐसा काम फैलाते हैं? हो सकता है, कहाँ बोलते हैं ना बिना आग के धुआं भी नहीं होता है, तो हम हो सकता है हमारे इसमें जितने भी क्या आर्टिस्ट हैं, नेवर केम अक्रॉस एक्चुअली, नहीं नेवर केम अक्रॉस एंड आई एम मे बी आई एम फॉर्चुनेट और मे बी हमारा माहौल ऐसा था, घर जैसा माहौल था। और सबसे पहली बात है हमने कोशिश किया फिल्म में अश्लीलता नहीं लाना, डबल मीनिंग के डायलॉग्स नहीं लाना, पारिवारिक फिल्म बनाना कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सके और उसको एंजॉय कर सके, ये हमारा एम था। शायद इसी वजह से किसी का भी इग्नोरेशन नहीं है, सब मिलजुल के एक फैमिली की तरह रहे और मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना अच्छा हमको लगा उधर माहौल। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सारे भोजपुरी वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। अमरीश बहुत पुराना दोस्त है मेरा, लेकिन हम लोग काम नहीं किए थे साथ में और बोल सकते हैं कि ग्रह नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये फिल्म हमने साथ में की और बहुत ही अच्छा है म्यूज़िक इस फिल्म का और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि कोरियोग्राफी तभी अच्छी होती है जब मैं उसे इन्जॉय करूँ। यस, क्योंकि गाने अच्छे होते हैं तो हमें मज़ा आता है और एज अ प्रोडक्शन मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी सेट के ऊपर और सब कुछ होगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कोरियोग्राफ करने में, तो बहुत अच्छा रहा माहौल। अक्षरा जी के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय के बाद किया, मैंने बहुत किया हूँ अक्षरा के साथ लेकिन अभी काफ़ी समय के बाद उनके साथ किया और बहुत अच्छी लग रही दोनों की जोड़ी। वैसे म्यूजिकली और बेसिकली गाने डांस को लेकर हम इस फिल्म से कितनी उम्मीद कर सकते हैं? रिकी जी, ये आप मेरा ईगो समझे, एटीट्यूड समझे, या मैं सच बोलना चाहा, या मेरा कॉन्फिडेंस समझे, रिकी गुप्ता एक मैंने अपने नाम को इस तरह ही बना के रखा है कि मैं जो भी काम करूं वो देखने के बाद लोगों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये रिकी गुप्ता का गाना है, तो मैंने अपनी पहचान बनाई है। और जैसे कि अभी प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि अश्लील, तो मैं बहुत खिलाफ़ हूँ उसके और काफ़ी सारे गाने मैं छोड़ भी देता हूँ कि भाई बिस्तर के गाने, खटिए गाने अगर करने हैं तो प्लीज़ मुझे मत बुलाइए, अगर क्रिएटिविटी कोरियोग्राफी करनी है, रोमांटिक है, डांसिंग नंबर है जिसमें कोरियोग्राफी दिख के, और मैं हिंदी से हूँ और भोजपुरी में भी आज बहुत मज़े से कोरियोग्राफी कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग मेरे काम की कदर करते हैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनको 100% 200% अपना देता हूँ और पब्लिक लाइक करती है और मेरे गाने बहुत सराहे जाते हैं। थैंक यू मास्टर जी। ये नई जोड़ी है, ये नई जोड़ी है अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह की, इस जोड़ी को आपने आपने नचा है, आपने इशारों पर नचा है स्पेशली, तो आपको लगता है ये जोड़ी जो है इसे ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी क्योंकि अक्षरा सिंह की एक जोड़ी थी? कमेंट्स मैं इनके बारे में ज़रूर बोलूँगा जिनके साथ काम कर चुका हूँ। अमरीश और अक्षरा दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत काफ़ी सारी फिल्में कर चुके हैं लेकिन पहली बार साथ में आ रहे हैं दोनों, तो अक्षरा का अपना एक वजूद है, अमरीश का अपना एक वजूद है और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आर्टिस्ट का एक कैलिबर होता है, हम उसी कैलिबर के हिसाब से उसे डांस कराते हैं, उससे एक्टिंग कराते हैं, तो मैं अमरीश को तो बहुत सारे मतलब बधाइयाँ दूंगा, इसका जन्मदिन भी है, इसका अच्छा ट्रेलर जाए और मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे और ये भी बहुत जोशीला है तो मुझे जोशीला आदमी चाहिए, अगर वो 30% डांस कर रहा है तो 70% मैं उसमें ठोक दूंगा। यस मास्टर जी, थैंक यू। पहले तो हाथ जोड़ के मेरे यार कुणाल तिवारी की तरफ से आप सब लोगों को और जे लोग भी भोजपुरी सुनेला और देखेला सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम। और आज अमरीश सिंह बड़े भाई हैं कि छोटे तो हो नहीं सकते, बड़े ही भाई हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएँ। आज जो है फर्स्ट लुक लॉन्च हो रहा है लव मैरिज का और मुझे लगता है कि आज 14 जनवरी है और अगले ही महीने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होगा और अगर उस दिन फिल्म रिलीज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। अमरीश जी क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल सच्चाई है, प्लान तो यही है कि हमने पहले से शुरुआत और सोच रखी थी कि वैलेंटाइन डे पे ही हम फिल्म रिलीज करेंगे और कोशिश वही है हमारी पूरी टीम की जी। जो भी एक्चुअली अभी हमने मैंने पर्सनली देखा भी है, अभी पोस्टर जो फर्स्ट लुक आउट हुआ लव मैरिज का,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी नॉर्मली क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसा होता है कि यार टाइटल कुछ और होता है और उसका जो पोस्टर्स होते हैं कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन अभी जो ये जो पोस्टर बना है वो 100% जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ अगर लव मैरिज टाइटल है तो उसका जो बेसिक बैकड्रॉप है वो भी लव से रिलेटेड है, तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। थैंक यू। आपने इनके लव मैरिज का पोस्टर देखा? जी देखा देखा। कैसा लगा? फर्स्ट दृष्टांत अगर बोलें कि अगर इस नए साल 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं कहूंगा कि दो ये अमरीश बाबू का लव मैरिज का पोस्टर इनके जो एक्चुअल अगर लव मैरिज हुआ होता उससे भी बेहतरीन बना है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रंगीन है और पोस्टर से ही दिख रहा है कि फिल्म में कितना आनंद और कितना प्यार होगा। वैसे फिल्म की बात की जाए तो इसमें अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह की नई जोड़ी नजर आएगी जो कि पहली बार पर्दे पर एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। आप एक्साइटेड हैं मिश्रा जी, जब कुछ नया होता है उसे देखने के लिए? बिल्कुल, ये तो हम लोग का उत्तरदायित्व भी है और बेलू जी जो अपने आप में एक सशक्त निर्देशक, एक संगीत के प्रेमी और एक वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट हैं, तो मतलब कई विधाओं से रूबरू हैं वो, वाकिफ हैं और वो आदमी अगर कुछ करता है तो निश्चित रूप से अच्छा ही करता है। इसके पहले भी जो उन्होंने फिल्में बनाई है वो पवन जी को लेकर के बनाए, कल्लू जी को लेकर बनाए और हमेशा उन्होंने बेहतर किया है और इस बार अमरीश जी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है। अक्षरा सिंह जो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अमरीश अपने आप को पहले भी इन्होंने प्रूफ किया है और अभी भी प्रूफ कर रहे हैं और मेरा पूरा ये यकीन है कि बेलू जी के साथ ये जो लव मैरिज इनका ये सक्सेसफुल होगा। आजकल वैसे लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है, बुजुर्गों का जो अरेंज मैरिज की प्रथा होती है वो बहुत आज भी सक्सेसफुल है, पर ये लव मैरिज 100% सक्सेसफुल होगा। वैसे हम जानते हैं कि म्यूजिक की दुनिया से जब कोई आता है और डायरेक्टर बनता है, फिल्म बनाता है, तो फिल्म बनती है मेहंदी लगा के रखना, और प्यार है, सौभाग्य है, आप आशीर्वाद है आप लोगों का। वैसे आपकी निजी राय क्या है लव मैरिज को लेकर मिश्रा जी? देखिए ये मेरा टेस्ट है और रोमांस हम में हम लोग डूबे रहने वाले लोग हैं और पर्दे पे भी उस चीज को अंकित करते हुए एक अलग आनंद प्राप्त होता है। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ऐसे ही आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है अगर घनत्व के हिसाब से देखें तो, ये जनसंख्या इतना बड़ा होने के पीछे रीज़न ही है कि हम लोग प्यार के बहुत नज़दीक हैं और प्यार में डूबे रहने वाले लोग हैं। अब उसमें लव मैरिज अरेंज मैरिज वाली बातें बिल्कुल हमारे यहाँ तो अगर उत्सव के तौर पर देखा जाए तो शायद यही मैरिज ही एक सबसे बड़ा उत्सव होता है जो हर परिवार इसको सेलिब्रेट करता है और आदमी अगर कुछ कमाता है और कुछ भी अर्जित करता है तो उसका पूरा ध्येय होता है कि बच्चे या बीवी किसी अपने बच्चे की या बेटी की शादी तय करें और उसको धूमधाम से उसकी शादी करें और ये लव मैरिज तो इसमें 100% बड़ी ही खूबसूरत पल होंगे। अवधेश मिश्रा जी इस फिल्म में हैं जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के और उनका रंग इसमें अगर भरा गया होगा तो बहुत ही खूबसूरत होगा ये लव मैरिज। वैसे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज किसमें विश्वास रखते हैं रजनीश मिश्रा? देखिए मेरे पल्ले तो अरेंज मैरिज आया, वैसे शौकीन ने क्या बोले कि मतलब अगर हुआ होता लव उसी विश्वास में अभी तक जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं कि काश देखे एक बार लव मैरिज करके आजमाएंगे तो उसके बारे में। हाँ तो अब तक वो हुआ नहीं, सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं। वैसे बाबूजी ने जिस लड़की से शादी तय कर दी बस उसी को निभा रहे हैं, बस इस उम्मीद में अभी भी उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं हमने। इस मामले में मुझे लगता है देव सिंह के विचार कुछ अलग हो सकते हैं। नहीं ये भी अरेंज 100% अरेंज। अच्छा ये, माता ओके, ओके। अच्छा ये खास बात है कि खुद अरेंज मैरिज करते हैं और फिल्म बनाते हैं लव मैरिज। नहीं अभी लव मैरिज के क्या पंगे हैं वो भी इसमें आपको नजर आएंगे, तो लव मैरिज टाइटल है, इर्द गिर्द क्या होता है वो तो फिल्म देखनी पड़ेगी। आदमी ऐसे बनाता है वही फिल्म जो कर नहीं पाए अपनी रियल लाइफ में, सिनेमा आदमी वही बनाने की कोशिश करता है जो सपने पूरे हम लोग नहीं कर पाते रियल में, उसी को हम लोग रियल लाइफ में पूरे करने। ऐसे तो आपने बड़ी फिल्मों में छेड़छाड़ किए हैं। जी जी तो अब लेकिन अब बंद कर दिया हूं, आजकल मना कर देता हूं, नहीं छेड़छाड़ का सीन नहीं करूंगा। क्यों? शादीशुदा हो गया, अरेंज मैरिज कर लिया ना इसलिए। आप सुधर सकते ही नहीं हो देव सिंह, मैं जानता हूं। नहीं सर ऐसा नहीं है, अभी बड़ा खुशनसीब हूं मैं कहूंगा कि भोजपुरी फिल्म ने जो मुझे प्यार दिया है और जो सम्मान दिया है और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस एज में और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं मुझे,
अभी अभी मैंने मैं हम लोग किसी वजह से नहीं कर पाए, हमारा डेट्स का कुछ इशू था, और हमने अभी राज तिलक की थी फिल्म, उसमें एक बढ़िया कमाल का रोल है, रजनीश जी ने तो मुझे संवारा है और अवधेश जी ने मुझे एक मौका दिलाया, एक विश्वास मेरे ऊपर जो रखा, उस विश्वास को पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और अब मुझे शायद ये छेड़ने छाड़ने वाले रोलों से परे काम मिल रहा है, अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ, अभी प्रतिबंध में पॉजिटिव भी हूँ, अभी बेलू जी के साथ अब मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ, बहुत जल्द नजर आने वाले हैं जी, देखिए उन्होंने कह दिया इसको नोट कर लिया जाए, कोशिश करूंगा बेलू जी के साथ काम करूँ, क्योंकि इन्होंने अभी एक जिम्मेदारी उठा ली है, लव इन्होंने लव एक्सप्रेस भी बनाई है, अब लव मैरिज भी बनाई है, और हो सकता है लव स्टोरी भी बनाए, तो ज्यादातर वो बेहतर बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई एम एन एक्टर, मैं एक एक्टर हूँ, और मैं ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कॉमेडी ये मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि एक एक्टर वो परिपूर्ण है जिसे हर रोल करा लिया जाए और वो हर रोल बखूबी निभा ले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए पॉजिटिव भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मुझे नेगेटिव में करनी है और जितनी मुझे कॉमेडी में करनी होगी, तो मैं यही चाहूँगा कि रोल अच्छे मिले, अलग अलग तरीके का रोल मिले, ताकि मैं अपने अंदर जो भी है उसको बाहर निकाल सकूँ। थक भी गए होंगे, हीरो लोगों ने बहुत पटक पटक के मारा भी है। ठीक है, अब बिना मार खाए तो यहाँ तक पहुँचा नहीं, तो मार खा के पहुँचा तो भी एक अच्छी बात है, और मार खाने से ये अच्छा हुआ है कि मैं धीरे धीरे मजबूत होता है, तो ये है कि अब मार खाने में मजा भी आ रहा है अभी वापस, कि अब अच्छे से मार कर तो मैं भी मार रहा हूँ, पहले नहीं मारने को मिलता था, तो अब दो चार पंच मार भी मारता हूँ, ऐसा क्या। थैंक यू।